भारत के गुआढ़ी देश पाकिस्तान चो एक शर्मनाक खबर सामने आई है। पाकिस्तान के सिंध खेत्र में एक 10 साल की बच्ची अगवा करके एक 80 साल बुजुर्ग नाल विआह करा दिता गया। एक घटना 22 अक्तूबर की है। मीडिया रिपोर्टा मुताबक सिंध सूबे में हिंदू औरतों और लड़कियों अगवा करन दीआं घटनावां विच लगातार वाधा हो रहा है। मीडिया रिपोर्टा मुताबक यह घटना सिंध के शेख पीर क्यू इलाके की है, जिथे 10 साल हिंदू लड़की मीना बजानी लांडरी घाट तो अगवा कर लिया गया। उसनू जिमीदार मुला रशीद दे गुंडिया ने अगवा कर लिया। लड़की नू धर्म परिवर्तन लई मजबूर किया गया। बाद विच उसका बजुर्ग मुला रशीद नाल विआह करा दिता गया। सिंध खेत्र विच ही एक होर घटना विच शांति मेघवार नाम की एक व्यौता हिंदू औरत नू 24 अक्तूबर को अगवा कर लिया गया। 4 हथियारबंद बदमाशा मंजूर शेख, सुल्तान शेख, गैब शेख और जावेद ने उसनू सिंध दे तंदू मुहम्मद खान जिले में उसके घर तो अगवा कर लिया। मीडिया रिपोर्टा मुताबिक पीड़िता का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा के मंजूर शेख नाल विआह करवाया गया। और दी मां ने दोष लाया कि SHO इरफान ने उसकी FIR दर्ज नहीं की क्योंकि वह रिश्वत वजो 5000 रुपये नहीं दे सके। उन्होंने सिंध के मुख्यमंत्री मुराद शाह तो मांग की है कि वह इस मामले में दखल देन अते उन्होंने धी को रिहा करवाउन। मीडिया रिपोर्टा मुताबक सिंध सूबे हिंदू लड़कियां अते औरतां नू जबरदस्ती अगवा करने उते उन्हां नाल विआह करवाउन दे मामले वधदे जा रहे हैं। पहला उन्हां नू जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, जिस तों बाद उन्हां दा विआह कीता जाता है।